श्रीकाल, मैं हरपाल कौर, नूर किचन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी को नवरात्रों की शुभकामनाएं। तो जैसे कि नवरात्रे शुरू हो चुके हैं, तो नवरात्रों में खास आपके लिए नवरात्रों की रेसिपी लेकर आए हूँ। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू कर लेते हैं। तो आज जो हम रेसिपी बना रहे हैं, खास नवरात्रों के लिए बना रहे हैं, तो आज को तो इस रेसिपी को बनाने के लिए जहाँ पर हमने एक कप जो है साबूदाना लिया है, साबूदाना आप कोई भी ले सकते हैं, मोटा भी बारीक भी। तो जहाँ पर हमने एक कप साबूदाना लिया है, तो सबसे पहले हम साबूदाने को अच्छे से रोस्ट करेंगे। इसमें हम साबूदाना डाल देंगे। तो लीजिए, लगातार हमने गैस की लो फ्लेम पर हमने साबूदाने को 4 से 5 मिनट जो है हमने अच्छे से रोस्ट कर लिया है, और इसका मॉइस्चर जो है सारा हमने ख़त्म कर दिया है। तो बिल्कुल हमारा साबूदाना जो है रोस्ट हो चुका है। तो अब इसको हम एक प्लेट में निकाल देंगे ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए, और उसके बाद हम इसको पीस के इसका फाइन पाउडर जो बनाकर तैयार करेंगे। जब तक हमारा साबूदाना ठंडा हो रहा है, तो हमने जहाँ पर ली है 1/2 कप जहाँ पर हमने रोस्टर मूंगफली ली है, तो इसको मिक्सी के जार में डालेंगे और इसको हमने फाइन जो है पीस कर तैयार करना है। इससे हमारा जो व्रत का जो नाश्ता है बहुत ही बढ़िया बनकर टेस्टी तैयार होगा। हमारा साबूदाना जो था ठंडा हो चुका था, तो अब इसको हमने अच्छे से पीस लिया है। और देखिए, इसका फाइन जो है हमने आटा पीस कर तैयार कर लिया है। तो अब इसको हम एक लेंगे मिक्सिंग बाउल। तो जहाँ पर हमने ली है एक मिक्सिंग बाउल, और इसमें जो है साबूदाने का आटा जो है इसको डाल देंगे। तो लीजिए, हमने आटे को डाल दिया है मिक्सिंग बाउल में। तो अब इसमें डालेंगे हम मूंगफली, जिसको हमने ग्राइंड कर लिया है, वो भी डाल देंगे। तो साथ में डालेंगे जहाँ पर हमने एक हरी मिर्च ली है बारीक काट कर, तो साथ में हमने थोड़ा सा अदरक लिया है जिसको हमने कद्दूकस कर लिया है, वो डाल देंगे। क्योंकि हम व्रत के लिए बना रहे हैं, तो जहाँ पर हम प्याज वगैरह का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि व्रत में जो है प्याज वगैरह नहीं खाते। हमने लिया 1/2 टीस्पून, जहाँ पर मैंने लिया साबुत जीरा, 1/4 टीस्पून जहाँ पर मैंने ली है काली मिर्च कुटी हुई, 1/2 टीस्पून जहाँ पर मैंने डाला है गर्म मसाला, और 1/4 टीस्पून जहाँ पर मैंने डाली है कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून जहाँ पर मैंने डाली है अजवाइन, 1/2 कप जहाँ पर हमने लिया है सिंघाड़े का आटा, जिसको व्रत वाला आटा भी कहते हैं, वो डाल देंगे। इससे बाइंडिंग बहुत बढ़िया आती है, और वैसे भी इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है, तो आटा वैसे भी बहुत हेल्थी होता है। और साथ में जहाँ पर हमने लिए हैं आलू, तो जहाँ पर हमने 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, जिसको हमने बॉयल करके हाथों से अच्छी तरह से मैश कर लिया है, वो डाल देंगे। आप एक बार इस तरह व्रत का जो नाश्ता है बनाकर देखिए, बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार होता है। तो सीधा नमक 1/2 टीस्पून जहाँ पर मैंने लिया है सीधा नमक, क्योंकि व्रत में जो है सीधा नमक ही खाया जाता है। और साथ में जहाँ पर हम डालेंगे धनिया पत्ती जहाँ पर मैंने ली है, तो पहले हम इसको अच्छी तरह से हाथों से मिक्स करेंगे, क्योंकि आलूओं में भी बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है। तो अब पहले हम इसको अच्छे से आलूओं के साथ आटे को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, उसके बाद हम इसमें देखेंगे कितना हमें पानी की ज़रूरत है, और उसी के हिसाब से हम जहाँ पर पानी डालेंगे। लीजिए, अभी तक हमने जहाँ पर पानी नहीं डाला, तो आलूओं को हमने बॉईल करके डाला था, तो इसके मॉइस्चर से ही हमारा जो आटा है वो इकट्ठा हो चुका है। तो बिल्कुल भी हमने इसमें पानी की एक बूंद भी नहीं हमने डाली अभी तक। तो अब जहाँ पर हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, तकरीबन 1 चम्मच मैंने जहाँ पर पानी डाला है, तो इसको थोड़ा सा हम मस लेंगे। अब इसको ढककर हम 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। अब हम आटे से थोड़ा सा जो है पाट लेंगे, और इसकी हम एक लोई बनाकर तैयार करेंगे। तो इसकी हमने एक लोई बनाकर तैयार कर लेनी है। तो इसकी लोई जो है हमने रोटी से थोड़ी सी बड़ी लेनी है, क्योंकि हमने जहाँ पर इसका परांठा बनाकर तैयार करना है। तो इसको हाथों से थोड़ा सा हम फैला लेंगे, तो इसको थोड़ा सा हम जी, हमारा तवा जो है गर्म हो चुका है, तो अब इसमें हम डाल देंगे पराठे को, और इसको हमने अच्छी तरह से सेक लेना है। जब तक एक साइड हमारी पक नहीं जाती, तो अब इसको हम हिलाएंगे नहीं। तो इसी तरह हम जहाँ पर दूसरा भी
जो है हमने लोई जो है बनाकर तैयार कर लिया है, और इसको भी हम बेल कर तैयार कर लेते हैं। तो लीजिए, हमारा एक साइड से जो है पराठा हल्का सा सिक चुका है, तो अब हम दूसरी साइड इसकी पलट देंगे, और दूसरी साइड को भी हमने अच्छी तरह से इसी तरह सेक लेना है। तो देखिए, हमारा जो पराठा है अच्छे से सिक चुका है। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे घी। तो जहाँ पर मैंने मेल्टेड घी लिया है, अगर आप बटर वगैरह लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। तो दूसरी साइड से अच्छी तरह से हमने इसको घी लगाकर क्रिस्पी होने तक जो है सीक लेना है। तो लीजिए, हमारा दूसरी तरफ से नाश्ता जो है अच्छी तरह से जो है क्रिस्पी हो चुका है। तो अब इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो इसी तरह हमने सभी नाश्ते को बनाकर तैयार कर लेना है, और देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। तो सभी नाश्ता हम इसी तरह बनाकर तैयार कर लेंगे। तो लीजिए, हमारा एक कप साबूदाना से 6 नाश्ते बनकर तैयार है 6 लोगों के लिए। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी ये नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। खास करके नवरात्रों की रेसिपी है, नवरात्रे चल रहे हैं, तो आप नवरात्रों में इस तरह ये नाश्ता बनाकर खाइए, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है। तो अगर आपको हमारी रेसिपी आज की पसंद आई, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो साथ में बेल आइकन उसको प्रेस करना, ताकि जो भी हमारी नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। तो फिर मिलेंगे इस तरह की नई और डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए सत श्री अकाल।